कैसा मेहमान रे बदरिया, लोग देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कैसे महात्मा है। अब महाराज विश्वामित्र जो है आवाज लगा रहे काशी नगरिया। अब महाराज जब काशी नगरिया में आवाज लगा रहे, आवाज लगाते लगाते शाम हो गई, लोग आते कीमत पूछते लौट जाते। एक व्यक्ति आए बोले महात्मा जी एक बात बताई, इस पुरुष की कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। बच्चे की? बोले 20 बार सोना। स्त्री की? बोले 20 बार सोना। अब महाराज चिल्लाते चिल्लाते शाम हो गई, लेकिन किसी ने खरीद नहीं पाया। विश्वामित्र विचार कर रहे हैं कि कोई ज्यादा कीमत है भी नहीं, बस थोड़ी सी कीमत है, लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, आते हैं लौट जाते हैं। क्या कितने प्राणी खड़े आज भी कितने और लेने वाले नहीं है। अब इधर क्या हुआ है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है पास में पहुंचे, कहा कि ये बताइए इस बच्चे की कीमत और इस स्त्री की। बोले 40 बार सोना। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने 40 बार सोना दिया है और रानी तारापुत्र रोहितास को खरीद लिया। काफी भीड़ भाड़ देखी है तो कालू मेहता नजदीक पहुंचे, देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ है, क्या हो रहा है? देखा, पूछा है विश्वामित्र से, अरे महात्मा जी इस व्यक्ति की कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। बोले देखो हम इनको खरीद तो लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मरघटिया का काम करना पड़ेगा। बोले आप हमें खरीद लीजिए, आपके यहाँ मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो तो उसे भी हम करते रहेंगे, लेकिन आप खरीद लीजिए, महात्मा जी का कर्ज जो है वो अदा कर दीजिए। आज 20 बार सोना देकर के कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब जैसे ही कालू मेहतर के यहाँ पर हरिश्चंद्र चले हैं तो कहा कि तारा धर्म के पीछे हम लोग अलग अलग हुए हैं, तो एक बात का ध्यान रखना,
कितने भी संकट आ जाए लेकिन धर्म को पीठ मत देना। ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ होगा जिसने अपनी स्त्री और अपने बच्चे को बेचा हो। ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आज खुद अपने हाथों से खुद अपनी स्त्री को अपने पुत्र को बेच रहा हूँ। तारा ध्यान रखना कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते, और मई में ऐसे नर बर है जो सब मरिया महाराज। काय के धर्म के पीछे अलग अलग हुए हैं। आज धर काली मेंदर के आपर जिस समय हरिशंस चले हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर के लिए रानी तारा पुत्र रोहिता चले हैं। जब काफी दूर हरिचंद निकल जाते हैं और तारा भी जब काफी दूर निकल जाती है तो तारा ने कहा कि महाराज वैसे और तो सब हमारा पहले ही जा चुका था, धन दौलत केवल एक ही धन हमारे पास में बचा था वो भी आज हमसे दूर जा रहा है। महाराज तारा बोली है क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जाओ तो फिर क्या नहीं है क्योंकि अभी हमने जी क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा।